हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बनाएंगे अपने किचन में अमृतसर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी आलू कुलचा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप इसको छोले के साथ बना सकते हैं, और अगर छोले ना हो तो आप इस अमृतसरी कुलचे को अचार के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट है दोस्तों। तो बिना किसी ज़्यादा देरी के हम ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक परात ले लेंगे। परात में हम डालेंगे 3 बोल के हिसाब से मैदा, जिसे हम रिफाइंड फ्लावर कहते हैं। अब हम इसके बीच में एक वेल टाइप बना लेंगे और इसी में सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो 6 टीस्पून के हिसाब से मैं दही डाल रही हूँ। दोस्तों दही डालते वक्त आप इस बात का ध्यान रखना कि आपका दही थोड़ा खट्टा हो। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे शुगर, और 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे नमक। इसी के साथ दोस्तों मैं इसमें 1/2 टीस्पून डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। दोस्तों हम बेकिंग पाउडर का यूज़ कर रहे हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जैसे ही हमारी अंदर की चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, वैसे ही हम हमारे आटे को भी मिक्स करना शुरू कर देंगे। इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि दही और ये जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो सब एक सार हो जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग कुलचे को पानी से गूंदते हैं, पर दोस्तों इस कुलचे को हम दूध से गूंदेंगे। दूध से गूंदने से हमारा कुलचा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप के हिसाब से दूध लिया है, कम या ज़्यादा आपके मैदे पर डिपेंड कर सकता है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों हमारा दूध लूक वॉर्म है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब हम इसको एकदम गीला गीला गूँथ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये आटा गूंद के तैयार है, और ये देखिए चिपचिपा है, बिल्कुल इसी तरीके से हमको बनाना है, थोड़ा चिपचिपा ही रहना चाहिए। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक लेते हैं। तो जब तक ये हमारा आटा रेस्ट कर रहा है तब तक इसकी चटपटी सी स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, जिनको हम ग्रेट करेंगे। दोस्तों हम ग्रेट ही करेंगे, अगर हम इसको हाथों से मैश करेंगे तो क्या पता मोटे मोटे लम्ब्स रह सकते हैं, इसलिए हम सभी आलू को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे 1 प्याज को एकदम बारीक बारीक काट लिया है, बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे। दोस्तों अमृतसरी कुलचे की जो खास बात होती है ना, वो धनिया के बीज होते हैं, इसमें धनिया के बीज ज़रूर डलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिए हैं ये कोरिएंडर सीड्स, इसको मैंने क्रश कर लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे 1 टीस्पून के हिसाब से अदरक, अदरक को हमने ग्रेट करके डाला है इसमें। 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे रोस्टेड क्यूमन पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ ही साथ हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च को हमने बारीक बारीक काट लिया है, उसे भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो 1 टीस्पून हमने डाला है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। 1/2 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली इसलिए लाल मिर्च पाउडर हम कम डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारी चटपटी सी स्टफिंग तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरीके से स्टफिंग ज़रूर ट्राई करना। तो ये स्टफिंग अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और 10 मिनट भी हो गए, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा ये कप कहाँ तक पहुँचा है। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा आटा एकदम फूल चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे एक बारी और अच्छे से गूंथ लेंगे, और आटे के अंदर जितनी भी गैस है उसे हम अच्छे से निकाल लेंगे।
अब यहाँ पे मैंने हमारा किचन स्लेव अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो हम किचन स्लेव में से निकाल देंगे ताकि हम इसमें और अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों आटे के अंदर हमारी जितनी भी गैस है उसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे मसल मसल के, और इसको जितना हम मसलेंगे उतना ही हमारा कुलचा क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा, सूखा मैदा डाल देते हैं और इसे और अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों ये कितना लचीला है, जितना आपका ये आटा लचीला होगा उतना ही आपका कुलचा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कितना लचीला आप देख ही सकते हैं। इसे हम अच्छे से करीबन 2 से 3 मिनट के लिए गूंथ लेते हैं। थोड़ा सा और सूखा मैदा इसमें लगा लेते हैं और अब हम इसे थोड़ा सा रोल कर लेते हैं रोलिंग पिल की सहायता से। तो देखिए दोस्तों इसको जितना लंबा हम फैला सके उतना लंबा हम इसे फैला लेते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे बटर, तो बटर को मैंने रूम टेम्परेचर में लाके फिर इसमें लगाया है। बटर इसमें अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर भी हम बटर लगा लेते हैं और इसको वापस इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं। अब हम इसको एक बार और अच्छे से बेल लेते हैं और जितना लंबा ही बेल सकता है उसे उतना लंबा हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से फैला लिया। अब हम इसमें और बटर डाल देते हैं और इसको इस तरीके से रोल कर लेते हैं। अब हम इसके इस तरीके से 2-2 इंचेस में से कट कर लेते हैं और इसको अच्छे से रोल कर लेते हैं। तो इसमें हमारे करीबन 6 कुलचे बनकर तैयार हो जाएंगे। अब चलिए कुलचे बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे, उसमें थोड़ा सा हम सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसको इस तरीके से फैला लेंगे। अगर ये फैले ना तो आप सूखा आटा डस्ट कर सकते हैं, मेरा फैल रहा है इसलिए मैंने सूखा आटा नहीं लगाया। अब हम इसमें भर के स्टफिंग डालेंगे, क्योंकि दोस्तों जो अमृतसरी कुलचे का मज़ा होता है ना वो उसके स्टफिंग में होता है, तो इसको भर के ज़रूर डालिएगा। अब इसे इस तरीके से क्लोज कर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा इसमें डस्ट कर लेते हैं और इसे फैला लेते हैं इस तरीके से। हल्के हाथ से दबाइएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पहला कुलचा बनकर तैयार है। अब हम इसके नीचे पानी लगा देंगे ताकि ये हमारे तवे पे अच्छे से चिपक सके। और दोस्तों तवा हमको ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा गर्म हम रखेंगे तो हमारा कुलचा नीचे से जल जाएगा। मीडियम गर्म होना चाहिए। और इस तरीके से देखिए मैं हाथों से इसे दबा दूंगी ताकि हमारा कुलचा जब हम इसे सेकें तो बिल्कुल भी गिरे ना।
अब 1 मिनट के बाद हम इसको तवे को इस तरीके से करेंगे ताकि हमारा कुलचा अंदर से अच्छा सिक जाए। और देखिए दोस्तों, बिना तंदूर के ये बन रहा है और इसका टेस्ट तो तंदूर से भी अच्छा आने वाला था। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और जहाँ जहाँ से आपको लगे कि आपका कुलचा कच्चा है, आप उधर उधर से अपने तवे को हिला हिला के इसको अच्छी तरीके से सब जगह से फैला लेना। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे साइड से थोड़ा सा ये कच्चा लग रहा है, तो मैं इस तरीके से तवे को एडजस्ट करके साइड से भी इसे अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कुलचा अच्छे से फूल भी रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा कुलचा कितना अच्छा फूल चुका था। अब हम इसे निकाल लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ नीचे से ये कितने अच्छे से सिका है, बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा करारा हो चुका है। तो चलिए अब इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों गरम गरम कुलचे को हम सर्व करेंगे, बिल्कुल भी इसको ठंडा नहीं होना देंगे। अब इसके ऊपर खूब सारा बटर। आ हा 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 देखिए दोस्तों, ये हमारा कुलचा बनकर तैयार है। तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसी तरीके से मैं सारे बना लेती हूँ। दोस्तों देखा आपने, हमारा आलू कुलचा बनकर तैयार है। आलू कुलचा हमने गैस में बनाया, तवे में आराम से बन गया। दोस्तों सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में ही इतना अच्छा कुलचा बनेगा। ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। बाय दोस्तों, वापस मिलूंगी ऐसी एक नई और इनोवेटिव रेसिपी के साथ।